ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ
जे तू मेरा होए रहे दे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए सब जग तेरा हो ਡਿੱਠਾ ਹਾਂ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਜਗ ਡਿੱਠਾ ਹਾਂ ਤੈਂ ਜੇ ਵੜ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈ ਕੋ ਤੈਂ ਜੇ ਵੜ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈ ਕੋ ਸਭ ਜਗ ਡਿੱਠਾ ਹਾਂ ਫਰੀਦਾ ਸਭ ਜਗ ਡਿੱਠਾ ਹਾਂ ਤੈਂ ਜੇ ਵੜ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈ ਕੋ ਤੈਂ ਜੇ ਵੜ ਸਭ ਜਗ ਡਿੱਠਾ ਹਾਂ ਫਰੀਦਾ ਸਭ ਜਗ ਡਿੱਠਾ ਹਾਂ ਸਭ ਜਗ ਡਿੱਠਾ ਹਾਂ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਜਗ ਡਿੱਠਾ ਹਾਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੁਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ। ਆਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਮਹੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਾਲੀ
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा फरीद जी दे पावन पवित्र आगमन पुरब दे दिन ब दिन चल रहे समागमां विचों अज 22 सितंबर शाम नू संगतां गुरुद्वारा गोदड़ी साहिब कोटकपुरा रोड विखे जुड़ इकट्ठियां होईयां ने। 12वीं सदी दे महान सूफी संत बाबा शेख फरीद जो पंजाबी दे बहुत वड्डे अगमी शायर भी सन, उन्हां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अंकित कीती गई अते फरीदकोट नाल उन्हां दा संबंध दिल्ली तों पाकपटन जांदे होए जदों ओ फरीदकोट विखे 40 दिन उन्होंने तपस्या कीती उदों बनिया। फरीदकोट दा नाम फरीदकोट नहीं, इस तो पहला मोकलहर सी। मोकलहर नाम इहदा पिया उस समय दे राजे 12वीं सदी दे राजे मोकल सी दे नां ते। ए सारा इतिहास जो इत्थे किला बनिया होया है, जो सरकार दे पुराने स्टेट गैजटीयर हुंदे ने उन्हां दे विच अंकित है। सन 1969 विच बाबा फरीद सेवा सोसाइटी जिदे कोले इन्हां स्थानां दी सेवा मिली ते मुखी सरदार इंद्रजीत सिंह खालसा जिन्हां ने 1969 दे विच सब तो पहला यह मेला शुरू किया। 5 ट्रैक्टर ट्रालियां ते 150 बंदे दे लगभग 1969 दे विच इस मेले का आगाज होया। शायद बहुते लोगों नूं ते इन्हां गल्लां दा नहीं पता, लेकिन इतिहास दसन वाली जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है या जिन्हां नूं इस इतिहास का नहीं पता उन्हां नूं पता लगता है। दिन ब दिन साल बर साल इस प्रबंधक कमेटी वालों इस मेले नूं 1969 तो शुरू किया। अज सरदार इंद्रजीत सिंह सेखों की मेहनत सदका यह मेला 150 तो लखां दा हो गया। अज हालात यह ने कि पता ही नहीं किहड़े जिले दे किस पिंड तो लंगर लग रहा, पंजाब दे किहड़े हिस्सों तो संगतां आ रही हैं, कितों कौन की कर रहा है। इन्ना वड्डा जंजाल बन गया यह कि इहनूं हुण समझना प्रबंधक कमेटी दे वी बाहर है। पर खुशी इस गल दी है कि इस बाबे फरीद दे मेले ने फरीदकोट दा नां दुनिया च लिया के खड़ा करता ते प्रबंधक कमेटी इस दी वधाई दी पात्र है। कोटकपुरा भी है, होर भी शहर है, पर पंजाब दे विच या फॉरन दे विच जदों फरीदकोट दा नां लिया जांदा है उह सिर्फ ते सिर्फ बाबा शेख फरीद आगमन पुरब करके लिया जांदा है। सो यह बहुत वड्डी इज्जत है फरीदकोट वासियां लई कि जिहड़े साडे वड्डे वडेरियां ने
बाबा फरीद जी दे सिर ते टोकरी चकाई असी उहदियां भुल्लां बाबा फरीद जी का आगमन पुरब बना के वह बख्शा रहे हैं। ते उदू भी इज्जती गल है कि फरीदकोट वासियां दे विच इन्ना चाह है कि वह आपके रिश्तेदारां नूं सके संबंधियों नूं इस मेले से आने लई प्रेरित करते ने। सो इतिहास बहुत वड्डा है, बड़ी घालना घाली गई है प्रबंधक कमेटी वालों, तो बाबा फरीद जी के आगमन पुरब से जो हर साल की तरह 22 तरीक नूं शाम नूं कीर्तन का प्रवाह चलता है उस दे विच टिल्ला बाबा फरीद जी का हजूरी जत्था वो तुहाडे सामने अपना मनोहर कीर्तन पेश करेगा अते उस तो बाद होर भी कई कीर्तनीय जत्थे ते जो जत्थे अज दिल्ली तो लुधियाने तो पहुंच गए ने संगतां दे दरम्यान ने वो अपना कीर्तन पेश करनगे। ते संगतां दी हजूरी दे विच निम्रता साहिब बेनती है भी जो बाहर संगतां खड़ियां है वो आके कीर्तन राही गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करन। इन्ना कहिंदा होया खेमा दा जाचक है ते कीर्तनीआं जत्थे नूं बेनती करदा है कि अपना मनोहर कीर्तन शुरू करन। निदांगा
गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब फरीदा जे तू अकल लतीफ जे तू अकल लतीफ काले लिखना ले काले लिखना ले काले लिखना ले काले लिखना ले फरीदा जे तू अकल लतीफ जे तू अकल लतीफ काले लिखना ले काले लिखना ले काले लिखना ले आप नड़न गिरिवान में सिर नीवा कर दे सिर नीवा कर दे सिर नीवा कर दे सिर नीवा कर दे कर दे फरीदा जे तू अकल लतीफ जे तू अकल लतीफ काले लिखना ले काले लिखना ले काले लिखना ले काले लिखना ले प्रांग टंडोलिया सगला खाया मात ए दोई ने पिर दे कन की आस पिर दे कन की आस फरीदा पिर दे कन की आस पिर दे कन की आस पिर दे कन की आस फरीदा जे तू अकल लतीफ जे तू अकल लतीफ काले लिखना ले काले लिखना ले काले लिखना ले काले लिखना ले
ਸਾੜੀ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮੈਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ ਗੁਨੇ ਪਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਵੇਸ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਰਵੇਸ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ ਗੁਰ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ ਮਤ ਸ਼ਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕੀ ਵਾਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤ ਪਲਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੇ।
आओ सरबत संग प्यार नाल फतेह बुलाओ जी को वारी सारे आखो जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। अज दे समागम विच जो अज दे मेहमान ने खलूस ने जो अज दे मेहमान ने उन्होंने जो इत्थों दे तीन साल लगातार रहे डीसी श्री रवि भगत उन्हां दी धर्म पत्नी पहला सोसाइटी वालों जो मौजूदा एसएसपी हुंदा सीगा उसनू बतौर गैस्ट मुख मेहमान अज दे समागम ते बुलाया जांदा सी लेकिन कमेटी ने आपदे फैसलियां दे विच इक होर फैसला लिया भी जो ए पाक पवित्र जगह है जिहड़ियां इन्ने सालां दी मेहनत नाल बनी है उसनू आपां किसे रौले तो विच ना पाईए रौले तो दूर रखिए तां कमेटी ने फैसला कीता कि बजाए के मौजूदा एसएसपी नू बुलाउण ते किसे होर नेक रूह नू बुलाया जावे। सो क्योंकि तीन साल बड़े वड्डे वड्डे कारनामे फरीदकोट छोए लेकिन जो डीसी साहब ने रवि भगत उन्होंने तीन साल आपकी जिंदगी से कोई तोहमत नहीं लगन दिती ते उन्हां दी घरवाली उदू भी शरीफ। सो कमेटी ने फैसला किया जो अज दे मेहमान होणगे ओ उन्हां दी धर्मपत्नी होणगे ते हुण तुसी सरबण करोगे कीर्तन भाई दीवान सिंह जी जिन्हां ने टिल्ला बाबा फरीद जी तो आपका जीवन शुरू किया ते हुण 6 महीने फॉरन दे टूर ते ला के आए है लेकिन बाहर नहीं रहे वापस फिर बाबा फरीद जी की सेवा च आ गए। सो ओ थोनू आपदे मनोहर कीर्तन राही अपना मनोहर कीर्तन सरबण कराउंगे। वाहे फरीदा जिने कमी ना है गुण ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा के वही साई दे फरीदा बुरे दा भला कर 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 गुस्सा मन ना हंडाए गुस्सा मन ना हंडाए फरीदा बुरे दा भला कर फरीदा बुरे दा भला कर पाए पल्ले सब किच पाए फरीदा बुरे दा भला कर फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हटाए गुस्सा मन ना हटाए फरीदा बुरे दा भला कर फरीदा बुरे दा भला कर फरीदा
ਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਕਟਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਕਟਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਯਾਵਾਂ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਯਾਵਾਂ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਯਾਵਾਂ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਬਿਦਿਆ ਦਿਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਦਿਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਦਿਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਹਮ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੂਰ ਲੈਣਾ ਕਟ ਕਟ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ ਕਟ ਕਟ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ ਕਟ ਕਟ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ
मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर शामा तेरे मंदिर शामा तेरे सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर शामा तेरे मंदिर शामा तेरे तुझ बिन अबर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे तेरे गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत दुध पास है सर्व चिंत दुध पास है जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत दुध पास है सर्व चिंत तुद पास है जो तुद पावे सोई जंगा एक नानक की अरदास है नानक की अरदास है नानक की अरदास है गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे गावा नित तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे तेरे गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे वाहे गुरु प्यारे सत्संग जीओ इतनी सेवा की इतनी प्रमाण करनी सो कीर्तन करद बेनती गल भुला गलती होनी सुभाव करने सतगुर संगत बख्शन हारने साडे जत्थे वालों बाबा फरीद जी के आगमनपुर की संगतां नूं लख लख वधाई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੱਥਾ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ मैं होर संगतां नाल सांझियां करना चाहुंना दो फैसले इस बार कमेटी वालों ले गए ने ते उसनू अमली रूप विच इसे साल तो लागू किया गया है पहला बाबा फरीद सोसाइटी वालों जो भी लंगर बनाया जाएगा बाबा फरीद आगमन पर्व ते वो देसी घ्यो दा होगा वजह कारण यह कि इन्नी वड़ी तादाद दे विच जो संगतां वल्लों लंगर लगाए जांदे ने तां इह फर्ज बणदा है कमेटी दा कि उस तों कुछ वध करिए सो इस साल तों प्रबंधक कमेटी वल्लों इह फैसला लिया गया है कि जो भी लंगर लगू बाबा फरीद आगमन पर्व ते 19 तों 23 तरीक तक वह नरोल ते नरोल देसी घ्यो दा होवेगा दूसरी गल जिन्हों दसण दे विच दास नू बहुत ज्यादा माण है हो रहा है ते संगतां नू भी सुनन तो बाद जरूर होगा
वह यह है कि 1215 ईस्वी तो लैके 2015 ताई जे गिणीए तो 800 साल बनते हैं। 800 साल तो जो मेरा महना है वह यह है कि 2015 दे विच प्रबंधक कमेटी वालों ये फैसला ले लिया गया है ते मना दे विच तैयारियां शुरू है कि बाबा फरीद जी का जो 2015 वाला आगमन पर्व है वह 800 साल बड़ी धूमधाम नाल इस आगमन पर्व तो 10 गुणा वड्डा जिस दियां तैयारियां सी मुकम्मल 2 साल साढ़े कोल हैगे ने बहुत वड्डे पद्धर ते बनाया जाऊगा। सो 800 साल जो 1215 दे विच जिन्हों हले 2 साल रहिंदे ने उस दे लई तैयारियां संगतां दा पूर्ण सहयोग लिया जाऊगा ताकि इस आगमन पुरब नूं असी होर वडेरा होर उच्चा चक सकीए ते साडे फरीदकोट दा माण समझा जाण वाला आगमन पुरब आपदे आप विच इक मिसाल अजिही कायम हो जाए कि जिन्ने भी तुसी मेले पंजाब च देख रहे हो जे मुक्तसर जाने हो ना तो उत्थे इन्ने तुहानू लंगर विखदे आ ते उत्थे जो सब तो माड़ी गल है भी सियासी बंदे आपदियां आपदियां कुर्सियां ला के उत्थे आपदी आपदी पुड़ी वेचदे आ। एक वाहद बाबा फरीद जी का आगमन पुरब है जो हजे ताई तां सियासी बंदियां दियां इन्हां दूषणबाजियां तो बचिया अगे बचाउणा है कि नहीं बचाउणा यह संगतां ने फैसला करना है कि सियासी बंदियां तो इस धार्मिक स्थानां नूं इस आगमन पुरब नूं किवें दूर रखना है। सो बड़ी विलखणता है बाबा फरीद जी दे इस आगमन पुरब विच ते हुण मैं बेनती करदा भाई साहब भाई साधा सिंह जी हजूरी जत्था टिल्ला बाबा फरीद कि वह अपने मनोहर कीर्तन राही संगतां नूं निहाल कर। No, no.
आप लिए लड़ लाए, आप लिए लड़ लाए, दर दर वेश से तिन तन जड़े दी माओ आए सफल से, तिन तन जड़े दी माओ आए सफल से। रस्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरे आज नाम ते पोए पार दिए, रस्ते इश्क रंग दीदार के विसरे आज नाम ते पोए पार दिए, विसरे आज नाम, विसरे आज नाम ते पोए पार दिए, तिन तन जने दी माओ आए सफल से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आप लिए लड़ लाए, आप लिए लड़ लाए, दर दर वेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। पर्वतिकार अपार अगम बेअंक तू जिन्ना पिछाता सच चुम्मा पैर मू, पर्वतिकार अपार अगम बेअंक तू जिन्ना पिछाता सच चुम्मा पैर मू, जिन्ना पिछाता सच, जिन्ना पिछाता सच चुम्मा पैर मू, तिन तन जने
दी माओ आए सफल से दिन तन जने दी माओ आए सफल से आप लिए लड़ लाए आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से दिन तन जने दी माओ आए सफल से दिन तन जने दी माओ आए सफल से शंग गी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी पन है खुदाए तू बख्श खैर दी जय बंदगी शेख फरीद खैर शेख फरीद खैर दी जय बंदगी दिन तन जने दी माओ आए सफल से जने दी माओ आए सफल से आप लिए लड़ लाए आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से बिन तन जने दी माओ आए सफल से दिन तन जने दी माओ आए सफल से दिन तन जने दी माओ आए सफल से दिन तन जने दी माओ आए सफल से उस वेले दस इतिहास बाण करनी हुई भुला चुका दिखा वहां फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही रसपिना कीर्तन आपां सारिया ने भाई साहब भाई साधा सिंह जी पासों सरवण किया हुण इस तों बाद भाई रणजीत सिंह जी चंदन जो अपने लिए तो आम है लेकिन बाहर दे विच इन्हां दा नां घट ते फरीदकोट वाले ज्यादा इन्हां नूं कहिंदे ने वो अपना जिहड़ा मनोहर कीर्तन वह सरवण कराउणगे। लेकिन इस दे दरम्यान मैं धन्नवाद करना चाहुंदा प्रबंधक कमेटी वल्लों क्योंकि जो ये आगमन पुरब है ये ना है प्रबंधक कमेटी का ना है सरकार का असल में ये लोगों का है। ये लोगों का क्यों है क्योंकि जिन्नियां भी खेडां हुंदियां वह सारिया जड़िया प्राइवेट संस्थावां चलदिया सुसाइटियां चलदिया क्लबां चलदिया वह करवाउंदियां माली सहायता का जरूर प्रबंधक कमेटी दिंदी है पर अग जो उन्हां दे विच इस आगमन पुरब ते दूरों दूरों टीमां सद के ते जो वखरा नजारा इस शहर दे विच पेश कीता जांदा है सो माण मत्ते ने वह सारे क्लबां दे कमेटी मैंबर जिहड़े किसी पिंड नाल संबंधित रखते ने या शहर नाल संबंधित रखते ने कोई सरकारी है कोई गैर सरकारी है सब इस आगमन पुरब का माण ते सत्कार वधाउण दे विच सब तो वड्डा योगदान पाउंदे आ क्योंकि अज दे नशियां दे चल रहे प्रवाह दे विच जे मैं दिलों थोनू सची गल दसा भी धार्मिक दीवाना तो बाद जे असल आगमन पुरब दे विच वेखण लायक कोई चीज है तो वह तर्कशील नाटक मेला
जिदे विच सच्चाई नू पेश किया जाता है जां ओ सारियां क्लबां जो खेडां राही नौजवान मुड़ियां दे उत्ते अक्स पाउंदियां ने कि भी तुसी नशियां तो दूर रहो, थोड़ा ना इतना भी बन सकता है, तुसी खेडण दी कोशिश करो। उन्हां नू मुफ्त घिओ दिंदे ने, उन्हां नू मुफ्त खाण नू दिंदे ने, बहुत वड्डी गल है। ते सानू बतौर प्रबंधक कमेटी इस गल दी बहुत खुशी है कि इहो जिहा मेला जिहदे विच चित्रकला भी है, जिहदे विच पेंडू खेड मेला भी आउंदा है, जिहदे विच सारियां खेडां भी खेडियां जांदियां है, धार्मिक विचार भी आन प्रदान हुंदे ने। सो सारिआं दे चरणां विच प्रबंधक कमेटी वल्लों सिर चुकदा है कि उन्हां ने नौजवान वीर मैं वेखदा है भी माई गोदड़ी दे आसे पासे आम सधारण घरां दे मुंडे जिन्नी मेहनत नाल इस आगमन पुरब ते सफाइयां करदे है, सड़कां दे आसे पासे सफाइयां करदे है, यह बहुत वड्डी गल है। किते तुसीं टिल्ला बाबा फरीद वेख्या होना है भी नौजवान मुंडे छोटे छोटे किते लंगर वरता रहे है या प्रसाद ते बैठे है, कुछ ना कुछ सेवा कर रहे। सो एक चंगी रुचि है ते प्रबंधक कमेटी नूं माण है कि पिछले 40 सालां दे विच औखे सौखे दिन कढ के अज जो चंगे दिन आए है इन्हां नूं वेखण दा बड़ा माण महसूस है प्रबंधक कमेटी नूं। हुण मैं बेनती करदा भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी चंदन के ओ अपना मनोहर कीर्तन संगतां नूं सुनाउण। मैं चंदन जी नूं बेनती करदा मैनूं 10 सकिंट होर देण, एक कोई गड्डी दी दिक्कत आ रही है, मैं उन्हां नूं बेनती करदा आईकॉन लोगन गड्डी PB04S 2591 PB04S 2591 लोगन गड्डी है, सारिआं नूं बेनती है जिस भरा दी होवे उहनूं पासे कर देण क्योंकि ट्रैफिक दे विच प्रॉब्लम आ रही है। हुण मैं बेनती करदा भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी चंदन नूं उह अपना मनोहर कीर्तन पेश करो। वाहिगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु 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 वाहिगुरु वाहे गुरु
वाहिगुरु 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 वाहे गुरु 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 मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी तुद बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी तुद बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो मैं नैनी नींद ना आवे जियो भावे अन्न न पानी मैं नैनी नींद ना आवे जियो भावे अन्न न पानी तुद बिन खरी निमाणी तुद बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो पानी अन्न न पावे मरिए हावे बिन फिर क्यों सुख पाइए
गुर आगे करो विनंती जे गुर भावे जो मिले तीवे मिलाये तुद बिन खरी निमानी तुद बिन खरी निमानी मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो आपे मेल लए सुख दाता आप मिलिया कारियाए नानक कावन सदा सुहागण ना फिर मरे न जाए तुद बिन खरी निमानी तुद बिन खरी निमानी मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमानी तुद बिन खरी निमानी मिल मेरे प्रीतमा जियो 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 तुम करो दया तुम करो दया मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं तुम करो दया तुम करो दया मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई तुम करो दया तुम करो दया मेरे साईं
मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं। पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई, पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई, सास सास मन नाम समारे एह विश्राम निद पाई, तुम करो दया, तुम करो दया, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई, अनद रूप रवियो सब मदे जत कत पे खो जाई, तुम करो दया, तुम करो दया, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई, तुम करो दया, तुम करो दया, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं। तुम दयाल किरपाल किरपानिद पतित पावन गोसाई, कोट सुख आनंद राज पाए मुख तेने मुख बुलाई, तुम करो दया, तुम करो दया, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं,
मेरे साई, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई, तुम करो दया तुम करो दया मेरे साई मेरे साई मेरे साई मेरे साई। जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ के मन भाई, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपत अघाई, तुम करो दया तुम करो दया मेरे साई मेरे साई मेरे साई मेरे साई, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई, तुम करो दया तुम करो दया मेरे साई मेरे साई, तुम करो दया तुम करो दया मेरे साई मेरे साई मेरे साई मेरे साई। आओ सत्संगियो, बाबा फरीद उन्हां दा आगमन दिहाड़ा हर साल बड़ी श्रद्धा सत्कार नाल उत्साह नाल मनाया जांदा है। बाबा फरीद जी दे इस दर दे अणथक सेवादार सरदार इंद्रजीत सिंह जी सेखों, सरदार महीप सिंह जी सेखों, उन्हां वल्लों बड़े उपराले उद्यम किए जाते हैं हर साल इस समागमां नूं वधिया बनाउण वास्ते। सो आओ इन्नी हाजरी दर प्रवान करनी, फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਕਰਮ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ
जो फॉरन दे विच बैठिया संगतां है उत्थे एक चैनल चलाया उन्होंने जिदा प्रसारण वो इतों मुफ्त करते ने। मंगे पिंड दे मोगे जिले के रहने वाले ये नौजवान जो एक टेलीविजन फोरम दे विच चलता है banilive.com उतों ये प्रसारण सीधा कर रहे ने, तो प्रबंधक कमेटी उन्हां दी तहे दिलों धन्नवादी है। तो होर समा ना लैंदा होया मैं भाई साहब भाई गुरविंदर सिंह जी पारस हजूरी जत्था गुरद्वारा बंगला साहिब उन्हां नूं बेनती करदा है कि अपने कीर्तन राही संगतां नूं निहाल कर। तिस जन के पग नित पूजिए, मेरी जिंदड़ी जो मार्ग धर्म चले सेरा, नानक तिन विटों वारिया मेरी जिंदड़ी हर सुन हर ना मने सेरा। तिन तन जने दे तन जने दे माँ, तिन तन जने दे माँ, तिन तन जने दे माँ।
सफल से आए सफल से तन तन जन दे माओ तन तन जन दे मोहब्बत जिन जिन मन होर मुख होर जिन मन होर मुख होर से कान कचया तिन तन जड़े माओ तिन तन जड़े माओ आए सफल से आए सफल से तिन तन जड़े रत्ते इश्क खुदाए 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 रंग दीदार के जिन नाम सरयाजिन नाम ते पोए पार थिए ते पोए पार थिए तिन तन जड़े माओ तिन तन जड़े सफल से आए सफल से तिन तन जड़े दीमाओ तिन तन जड़े दीमाओ आप लिए लड़ लाए आप लिए लड़ लाए आप लिए लड़ लाए आप लिए लड़ लाए आप लिए लड़ लाए
दरवेश से तन धन जने दी माँ तन धन जने दी माँ आ सफर से परवदगार अपार परवदगार अपार अगम बेअंत तू जिना पछा सच जिना पछाता सच चुम्मा पैर हो चुम्मा पैर तिन तन जने माँ तिन तन जने माँ आए सफर से आए सफर से तिन तन जने माँ तन तेरी पन खुदाए तेरी पन खुदाए तेरी पन खुदाए sagama dani dani dama ga sagama dani sani dama ga sani sa teri pan khuda तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर शेख फरीद खैर दीजे बंदगी दीजे बंदगी तन तन आए सफल से तन तन जने तन तन जने दी माँ त्याग सखिए नाम महारस पिया
विखे बनती का त्याग ले सकिए नाम महारथ पियो नाम महा नाम महा नाम महारथ पियो नाम महा नाम महा नाम महारथ पियो विखे बनती का त्याग ले सकिए नाम महारस पियो विखे बनती का त्याग सकिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे उड़ गई सगरी बिन रस चाखे उड़ गई सगरी सुखी न होवत जियो सुखी न होवत जियो नाम महा नाम महा नाम महारस पियो नाम महा नाम महा नाम महारस पियो विखे बन पीका त्याग सकिए नाम महारस पियो विखे बन पीका त्याग सकिए नाम महारस पियो नाम महारस पियो नाम महारस पियो नाम महानाम महानाम महारस पियो विखे बनती का त्याग सकिए नाम महारस पियो विखे बनती का त्याग सकिए नाम महारस पियो मान महत्ना सकत ही काई मान महत्ना मान महत्ना सकत ही काई मान महत्ना मान महत्ना सकत ही काई मान महत्ना सकत ही काई सकत ही काई मान महत्ना सकत ही काई सादा दासी थियो सादा दासी थियो नाम महा नाम महा नाम महारस पियो नाम महा
बिखेबन पीका त्याग सकिए नाम महारस बिखेबन पीका त्याग सकिए नाम महारस नाम नाम त्याग सकिए नाम महारस पियो बिके बन पीका त्याग सकिए नाम महारस पियो नानक सेवा स्वभावंत जो प्रण अपने कियो जो प्रण अपने कियो नाम मह नाम मह नाम मह नाम मह नाम मह बन पीका त्याग सकिए नाम महारस पियो बिके बन पीका त्याग सकिए नाम महारस पियो नाम नाम त्याग सकिए नाम महारस पियो बिके बन पीका त्याग सकिए नाम महारस पियो नाम महारस पियो बन पीका त्याग सकिए नाम महारस पियो नाम महारस पियो नाम महारस पियो रस पियो रस पियो वाहिगुरु जी
राज जो बन प्रभ तो धनी राज जो बन प्रभ तो धनी प्रभ तो तू निर्गुण तू सगुण
ਹਰ ਗੁਣੀ ਬਾਰ ਬਲਹਾਰ ਨਾਮ ਹੋ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨਾਮ ਹੋ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਰਿਆ ਬਾਣ ਬਲਹਾਰ ਲਖ ਭਰਿਆ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੁਮ ਰੱਖੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੋਨ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੋਨ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੋਨ ਬਾਰ ਬਲਕਾਰ ਲਖ ਬਰਿਆ ਬਲਹਾਰ ਲਖ ਬਰਿਆ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਜਾਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤਕੀਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਣ ਨਾਨਕ ਤਕੀਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਤਕੀਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਬਾਰ ਬਲਹਾਰ ਲਖ ਬਰਿਆ ਲਖ ਬਰਿਆ ਨਾਮ ਹੋ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨਾਮ ਹੋ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰ ਦਰਿਆ ਮਾਰ ਬਲਹਾਰ ਲਖ ਬਰਿਆ ਲਖ ਬਰਿਆ ਬਾਰ ਬਲਹਾਰ ਲਖ ਬਰਿਆ 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 ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ।
धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज और सेखो साहब महीप सिंह सेखो जिन्हां दे उपराला सत्कार दास ने आप संगत ने दर्शन किए हैं। सो समय अनुसार कीर्तन की समाप्ति है। असीस बख्शो गज वज के फतेह का जवाब फतेह भी दो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज साडे दरम्यान मैडम तरुणदीप कौर IRS धर्मपत्नी बहुत ही आपदे नाम वांग एक भगत इंसान डिप्टी कमिश्नर रवि भगत जी जो साड़ी शहर वासियां दी बदकिस्मती के बाबा फरीद जी दे आगमन पुरब दे दरम्यान उन्हां दा तबादला अमृतसर हो गया पर प्रबंधक कमेटी ने यह फैसला किया है कि चाहे तबादला हो गया लेकिन वो एक नेक रूह है ते उन्हें 3 साल दे वेचे बाबा फरीद जी दे आगमन पुरब नूं उच्चा चुकया। तो कमेटी ने फैसला किया कि कल 23 तरीक वाले दिन साडे डिप्टी कमिश्नर उही ने ते उही इस फंक्शन ते जो कल इनाम वंड समागम होना है बाबा फरीद जी का इमानदारी का अवार्ड ते भगत पूरन सिंह मनुखता की सेवा का अवार्ड जो कल दिता जाना है उहदे विच बतौर मेहमान वो शामिल होंगे। अज सूफी मत सारिया धर्मां नूं संजोण की कोशिश दे विच पिछले 40 सालों तो आपदी सोच नाल मेहनत कर रहे इन्हां संस्थावां दे बाबा बोर्ड ते बाबा फरीद जी दे आगमन पुरब दे रचनहार इंद्रजीत सिंह जी खालसा मैं उन्हां नूं बेनती करदा कि मैडम तरुणदीप कौर जो अज दे समागम विच आए ने उन्हां नूं प्रबंधक कमेटी वालों उन्हां नूं जी आया आखण ते उन्हां दा मान वधाउण। बाबा फरीद जी दे पवित्र स्थान ते अज उन्हां दे आगमन पुरब ते बहुत ही श्रद्धामयी कीर्तन दरबार विच विराजमान गुरु रूप साध संगत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का फतेह। अज मैनूं यह बड़ा माण ते खुशी महसूस हो रही है कि मैं एक नेक परिवार दे सरदारनी साहिबां नूं इत्थे बाबा फरीद जी दे आगमन पर उत्ते सरोपाओ अते उन्हां नूं कोई यादगार चिन्ह भेंट करन जा रहे हैं। कारण यह है कि इस स्थान ते असीं यतन करते आ रहे हैं पिछले 40 सालों तो कि इत्थों ईमानदारी दे अवार्ड मिल ईमानदार बंदा नूं मिल और चोरी चुकी दा प्रोग्राम ना चले। यही कारण है कि असीं मौजूदा किसी अफसर नूं जेड़े बाबा फरीद अवार्ड या भगत पूर्ण सिंह अवार्ड नाल नवाजते नहीं जदों से वो चले जान फिर तो उन्हां नूं असीं ऑनर करते रहे हैं लेकिन जदों इत्थे होण असीं नहीं करते। और मैनूं बड़ी खुशी है कि ये दोनों मैडम रवि भगत जी ते रवि भगत जी ए मेरियां अखां दी जो पारखू सी नजर उहदे च उस पद्धर ते पहुंचे ने जिथे असीं कि ईमानदार आदमी नूं ईमानदार परिवार नूं ये खुद कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स और डिप्टी कमिश्नर जेड़े ने पोलिटिकल दोनों ईमान ते पुंज और सानूं खुशी है कि वह भी शायद कल तशरीफ लिआउण। हालांकि यह भी खुशी की गल है कि यह जहा ईमानदार बंदा अज इत्थों बहुत वड्डे जिले च गुरु की नगरी की सेवा करने वास्ते उत्थों दा फर्स्ट सिटीजन बन के चला गया और वह उत्थे गुरु की नगरी की गुरु की सेवा करके सिख जगत नूं आपदा सही रूप विखा सकेंगे। और मैं अज इन्हां नूं सरोपाओ दी
ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ बेनती करदा भाई साहब भाई बलप्रीत सिंह जी लुधियाने वाले कि अपना मनोहर कीत संगतां दे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਢਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਵਾਰਡ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਅਵਾਰਡ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰੋਪਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰੋਪਾ ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਹੈ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਪਲੀ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪਿਆ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜੀਓ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਔਖਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਸਰਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ